देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि जहाँ संजीव जी बहादुरगढ़ में हैं, वो ये आज जो जिन सीटों पर राहुल गांधी जा रहे हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाली सीटें हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर आज बहादुरगढ़ सीट पर जहाँ से शुरुआत हो रही है, उसकी भी एक बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता थे जो बहुत मजबूत थे, जो महिला बोलना चाह रही थी, राजेश जून उनका नाम है, और उन्हें कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। वो एक मजबूत कार्यकर्ता थे और इस बार वो बहादुरगढ़ से सीट चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जून निवर्तमान विधायक को ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के हैं और करीबी माने जाते हैं, तो राजेश जून निर्दलीय ताल ठोक दिए और वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। और राहुल गांधी की आज की जनसभा जानबूझ के इसलिए रखी गई है कि धीरे धीरे जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की कोशिश है और धीरे धीरे चुनाव उस तरफ जा भी रहा है कि तीसरी शक्ति, जो पहले लग रहा था कि बीच में दूसरी पार्टियां और क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट्स ही अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर से पिछले 2-3 दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो बात शुरुआती दौर में देखी जा रही थी, ये चुनाव बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटता हुआ जा रहा है। तो वो तीसरी शक्ति का प्रभाव कम करने के लिए वो जो राजेश जून वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए कहीं ना कहीं बहादुरगढ़ की सीट को रखा गया। जहाँ तक आपने बात की गैर जाट जाट का, देखिए हरियाणा में पहले, बहुत पहले, 10 साल पहले मैं कह सकता हूँ, इस तरह से गैर जाट जाट का उस तरह से डिवीजन नहीं था जैसे अब हो गया है। उसका कारण ये है कि हरियाणा में 1966 के पंजाब में अलग होने के बाद से देख लें तो राव बीरेंद्र सिंह, जो राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी के नेता हैं दक्षिणी हरियाणा के, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उसके अलावा ज़्यादातर मुख्यमंत्री, खास करके भजन लाल, देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बंसीलाल, ये तीनों जो है जाट बेल्ट के ही नेता थे। पहली बार मनोहर लाल खट्टर जीटी बेल्ट रोड से, जो पंजाबी कम्युनिटी और गैर जाट कम्युनिटी है, जीटी रोड बेल्ट से वो मुख्यमंत्री बने 9.5 साल तक थे। तो उस वर्ग को बड़ी अपेक्षाएं थीं और इस जीटी रोड बेल्ट जिसको कहा जाता है उसको बहुत अपेक्षाएं थीं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के कामकाज की वजह से वो बात देखी नहीं जाती। इसके बाद नायब सिंह सैनी को भी इसी बेल्ट से लिया गया, उन्हें भी इसी बेल्ट से मुख्यमंत्री बनाया गया, हालांकि ओबीसी वोटों को दिमाग में रखते हुए इसका फायदा जरूर बीजेपी को ओबीसी का मिलेगा, लेकिन कितना मिल पाएगा ये देखना मुश्किल है। और अभी ये जो बहस है उसको जाट गैर जाट की तरफ करने की पूरी कोशिश बीजेपी का नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से इसको लेना चाहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बार बार आप देखिए जब कहती है छत्तीस बिरादरी की बात करती है, जहाँ तक दलित वोटों की बात आप कर रही हैं, जो हरियाणा को मोटे तौर पर आप 3 भागों में विभाजित कर सकती, एक वो जो दिल्ली से चंडीगढ़ रोड जाता है और इस पर जितने जिले पड़ते हैं इसको जीटी रोड बेल्ट कहते हैं और यहाँ पर गैर जाटों का वोट ज़्यादा माना जाता है वनस्पति जाट के, और इस बेल्ट को अगर आप देखेंगी तो 29 विधानसभा सीटें हैं, यानी आप दिल्ली से निकलती हैं तो सोनीपत, पानीपत, करनाल, उसके बाद कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, ये जो जिले हैं इनसे, इन पर 29 विधानसभा सीटें आती हैं। और पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 में चुनाव लड़ा था तो इस 29 में से 22 सीटें उसे मिली थी, लेकिन 19 में उसे सीटें गंवानी पड़ी और मुझे लगता है 15 सीटें उसे मिली थी, और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पैठ बढ़ाते हुए 12-13 सीटें यहाँ पर हासिल की। अगर लोकसभा चुनाव 2024 को आप देखेंगी तो 4 लोकसभा सीटें इस जीटी बेल्ट पे आती हैं, एक सोनीपत, एक करनाल, एक कुरुक्षेत्र और एक अम्बाला। तो अम्बाला कुमारी शैलजा जीत चुकी हैं, सोनीपत कांग्रेस ने जीता, कुरुक्षेत्र और करनाल ये दोनों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो इस तरीके से बराबरी का मुकाबला इस इलाके में है और कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि जो ये प्रभुत्व वाला इलाका उसका है भारतीय जनता पार्टी का, जहां वो उसका दबदबा माना जाता है, वहां लड़ाई को बराबरी पर या कुछ भारी किया जाए, इसीलिए इस बेल्ट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। दूसरा जो है वो जाट बेल्ट आता है जिसमें सिरसा, हिसार, जींद, रोहतक,
ये सब इलाके आते हैं, वहाँ ऑलरेडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व है और जाट बेल्ट है, उसमें कहीं एक दो चार सीटों पर जेजेपी और इनेलों का प्रभाव है, नहीं तो ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी भारी है। और उसका जो पीछे का रिकॉर्ड आप देखेंगी, जो दो सीटें उधर से तीन सीटें आती हैं, वो तीनों चाहे सिरसा की हों चाहे रोहतक की हों, वो तीनों सीटें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीतने में कामयाब हुई। लेकिन जो दक्षिणी हरियाणा है, जहाँ अहिरवाल बेल्ट जिसको कहा जाता है, जहाँ दलित और यादव वोट बहुत मैटर करते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटें जीत ली थी, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये इलाके आते हैं। तो वहाँ पर भी बीजेपी को इस बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत तगड़ी टक्कर दे रखी है और जाट बेल्ट में बीजेपी कोई सेधमारी नहीं लगा पाई, लेकिन वो कोशिश बहुत कर रही है। तो अगर अलग अलग पॉकेट में आप देखें तो जाट बेल्ट में कांग्रेस बहुत मजबूत है और जीटी बेल्ट रोड में 50-50 की लड़ाई है, और अहिरवाल बेल्ट यानी दक्षिणी हरियाणा में थोड़ा बीजेपी का आप कह सकती हैं कि ऊपर है मामला। लेकिन दलित वोटों ने जिस तरह से लोकसभा में 68% एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 68% दलित वोट लोकसभा में बीजेपी को गया था, अगर वही रुख माफ कीजिए 68% कांग्रेस को गया था, अगर वही रुख हरियाणा के इस चुनाव में रहा तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर इस बड़े वोट बैंक की नहीं, छोटे छोटे जो वोट बैंक है, चाहे हम जिस तरह से भामर कार्ड जो खेलते नजर आए, 8-9% हरियाणा में है, वहां पर भी किस तरह से सेंधमारी हो सके वो भी कोशिश इस वक्त कांग्रेस से हो रही है, कांग्रेस की तरफ से। राजीव, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे सीट है जिसमें आज गोहाना सीट है, हाँ। वहां पर जसबीर उनका क्या मलिक साहब है, वो चार बार से विधायक है और वहां पर जाट और इतना बढ़िया वहां का मैं आपको समीकरण बताऊं, बिल्कुल बराबर बराबर वोट है, जाट और गैर जाट के वोट बिल्कुल बराबर बराबर है, जिसमें गैर जाट वोटों में ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कि दो बार लोकसभा का चुनाव ऐसे समय में जीते, चौंका चुके हैं, मैं कहूंगा निर्दलीय लोकसभा का सांसद बने वो, और रोहतक से उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया, उन्हें बीजेपी ने विधानसभा से चुनाव लड़ाया गोहाना से, जहां से चार बार से जाट विधायक हैं और जाट बराबर वोट है, तो अब वहां ब्राह्मण वोट बहुत मैटर करता है, ब्राह्मण कैंडिडेट है, तो किस तरीके से गैर जाट वोटों को एक जगह लामबंद किया जाए और ऐसे उम्मीदवार को उतार करके बीजेपी ने ऐसी बहुत टिकटों का बंटवारा इस तरह से बहुत सोच समझ के दिया। सोचिए दो बार के सांसद को विधानसभा से, और ऐसी विधानसभा से जो ऑलरेडी चार बार से कांग्रेस के पास है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की वो वहीं से की, उसी सीट से की, तो बीजेपी इस लिहाज से अगर देखिए तो उसने नए नए तरह के प्रयोग किए हैं, और ब्राह्मण वोटों में सेधमारी के लिए ये जो कांग्रेसियों का बयान आप नेताओं का सुन रहे हैं वो इसीलिए है और इसी बातों के लिए है कि उसमें सेधमारी की जाए। तो मैंने जो पहले कहा कि हरियाणा में यूपी बिहार की तरह जातिगत राजनीति इस तरीके से नाम नाम लेके जाति जाति का पहले नहीं होती थी, लेकिन अब चूंकि पूरा वोट सामने आ चुका है और लंबे समय से जो हरियाणा पर आर्थिक राजनीतिक सामाजिक प्रभाव प्रभुत्व जाटों का था, उसको बीजेपी ने अपने समीकरण से अपने हिंदुत्व जातिगत समीकरण के मिश्रण से आप कह लीजिए कि उसने 10 साल तक इसी पर शासन किया है, लेकिन इस बार अब उनका ये दांव चलेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो इस बार